यहाँ से रेडी कर रहा हूँ। तो ग्लेज़ जरा रूम पे घूम रहे हैं। इधर सारा ब्लाइंड जा रहे हैं।
यहाँ पे नारायण बोला नहीं करेंगे तो ऐसा लगा देगा। मुझे ऐसा खूबसूरत देख के दो चार दिन पकड़ कर यूं ही मर जाए। जरा फोन तो लगा मंत्री को। मंत्री जी, इलेक्शन क्या खत्म हुए आपने तो हमें खिदमत देने का मौका ही नहीं दिया, छीन लिया हमसे मौका। इस बार जो हीरो का हार आया है ना, उसका सारे नगीने मैंने खुद छाट छाट के चुने हैं। आप देख के छू के आराम से इत्मीनान कीजिएगा, एक एक खूबसूरत नगीना है तो फिर कब पेश करो। ठीक है तो सही था। लेफ्ट दिख रहा है ना, ये एक ग्लेयर दे रहा हूँ थोड़ा उल्टा उल्टा, ये दे दो, ये करेक्ट यहाँ से ओपन करना, ठीक है ओके। फिर दिया आपने फोकस शिफ्ट फोरग्राउंड के बाद के दो चार
दिल पकड़ कर यूं ही मर जाएंगे। जरा मंत्री को मंत्री जी, इलेक्शन क्या खत्म हुए? आपने तो खिदमत करने का मौका हमसे छीन ही लिया। इस बार की जो ये है ना, मंत्री जी, इलेक्शन क्या खत्म हुए? आपने तो खिदमत करने का मौका ही छीन लिया। इस बार जो हीरे का तार आया है, उसके सारे नगीने मैंने खुद छांट छांट के चुने हैं आपके लिए। आप खुद देखकर छूकर इत्मीनान कीजिएगा, एक एक नगीना अनमोल है। तो बताइए कब पेश करूं? ठीक है, तो फिर तेरा दिल पकड़ कर यूं ही मर जाएंगे। जरा मंत्री को पूछ तो लगा। इलेक्शन क्या खत्म हुए? आपने खिदमत करने का मौका ही छीन लिया। इस बार जो मंत्री जी, इलेक्शन इलेक्शन क्या खत्म हुए? आपने तो हमसे खिदमत करने का मंत्री जी, इलेक्शन क्या खत्म हुए? आपने तो खिदमत करने का मौका ही छीन लिया। इस बार जो हीरो का हार आया है, उसके सारे नगीने अनमोल हैं। मैंने खुद चुन चुन के नहीं पर इस बार जो हीरो का हार आया है, उसके सारे नगीने मैंने छांट छांट के चुने हैं आपके लिए। खुद देख के छू के इत्मीनान कीजिएगा, सारे नगीने अनमोल है। तो फिर कब पेश करूं? ठीक है, तो फिर तय रहा। मैंने तो देखे ऑर्डर सर। हाँ, मेरे का पेंट करना था।
थोड़ा आगे एम्बुलेंस की एडवांस बुकिंग कर ले। आज मुझे देखकर दो चार दिल पकड़ के यूं ही मर जाएंगे। मंत्री जी, इलेक्शन क्या खत्म हुए? आपने तो खिदमत देने का मौका ही छीन लिया। अभी जो हीरो का हार आया है, उसमें सारे नमूने छांट छांट के मैंने खुद चुने हैं आपके लिए। आपको देख के छू के इत्मीनान कीजिएगा, एक एक नगीना पेश कीमती है। तो फिर बताइए कब पेश करूं? तो ठीक है, तेरा बेटा पानी कंटिन्यू या सर पान थोड़ा आगे लूंगा चीट करके थोड़ा ना ना ये सब थोड़ा आगे रख डब्बा थोड़ा आगे रख डब्बा पास ओके बेटा पान थोड़ा आगे रख मैं दिल से दिल तक में आया मैडम जी का नया अवतार जानने के लिए जरूर देखिए। स्वागत है आपका। सबसे पहले बताइए कौन सा नया होता कर सकती हूँ और मीनाक्षी के कैरेक्टर के बाद में कुछ इतना प्रॉमिसिंग करना बहुत मुश्किल पर चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। सबको बहुत अलग लग रहा है से लेकर के ना कॉस्ट्यूम से लेकर सब। हाँ, ये पॉलिटिक्स बहुत है, बहुत नयापन है, बहुत वेरी सैसी। मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। घुस जा रही है मीनाक्षी, घुस रही है लेकिन मैं उसे घुसने नहीं दे रही हूँ। डायरेक्टर बहुत अच्छा। ओके, पहले तो काफी ब्यूटीफुल अवतार में वापसी हुई है कनिका आपकी। टेल अस अबाउट दिस आउटफिट लुक जो है आपका, उसके बारे में कुछ। लुक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबी मुझे बाल दिए गए, लंबी लंबी विग है मेरे पास में और ब्रोकेट का ब्लाउज है और प्लेन साड़ी है एंड विद लॉट ऑफ ज्वेलरी, कमर में बंद है और इयर रिंग्स हैं, गले का पूरा डबल हार है और इंटरेस्टिंग ये रिंग्स हैं, लेंसेज पहने हैं मैंने बहुत सालों बाद, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। काफ़ी नाज नखरे वाली लग रही है ये मैडम, क्या कहेंगे कैरेक्टर? मैडम जी के बहुत नखरे हैं, बहुत अदाएँ हैं और बहुत नज़ाकत है, बात करती हैं तो ऐसा होता है फूल झड़ रहे हैं और अदाएँ फेंकती रहती हैं। एक आदमी रखा हुआ है जो पानी पिलाता है, पान खिलाता है, मिरर दिखाता है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राइट, मीनाक्षी के कैरेक्टर को यू नो जब आप प्ले करिए तो कितना मिस कर रही हैं या उस कैरेक्टर? नहीं, मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ मीनाक्षी का कैरेक्टर। मीनाक्षी दुबई चली गई है और भगवान वो वहीं रहे, बिकॉज 7 साल से किरदार निभाकर आप एक तरीके से कंप्लीट हो जाते हो, आपको ये लगता है कि अब उसमें और कुछ नहीं किया जा सकता और जितना प्यार लोगों ने मुझसे किया है मीनाक्षी के किरदार में वो इतना ज़्यादा है कि उम्र
उम्र भर मैं इस प्यार को रख सकती हूँ। ओके, अब इस कैरेक्टर की बात करें तो पार्थ की बेटी आपके पास पहुँच गई है, मैडम जी के पास पहुँच गई है, क्या हाल होने वाला है उसका? बहुत क्या बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि एक ये बहुत ही टफ सिचुएशन होगी जहाँ पे मैडम जी के रूल्स और रेगुलेशंस अलग हैं, वहाँ उनके जगह पर कोई लड़की अगर आ जाए तो एक बार लड़की आई हुई दोबारा वो वापस नहीं करती है, तो कैसे पार्थ अपनी बेटी को लेके जाएंगे, कितनी डिफिकल्टीज होंगी, कितनी पिटाई खाएंगे और क्या क्या होने वाला है, आपको ये दिल से दिल तक नहीं पता लगेगा। राइट, व्यूअर्स काफ़ी एक्साइटेड होंगे आपको इस अवतार में देखने के लिए, क्या कहेंगे टू ऑल द व्यूअर्स, आपके फैंस? मैं सारे अपने फैंस को और दिल से दिल तक के सारे व्यूअर्स को यही कहूँगी कि प्लीज़ इस मैडम जी के कैरेक्टर को आप प्यार करें और ज़रूर देखें, आपको लगेगा कि कनिका महेश्वरी बहुत ही डिफरेंट अवतार में आई है बहुत सालों बाद। Thank you so much. Thank you.